Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से वही horror game खेलने जा रहे हैं, जिस game से हमें ढेर सारे views मिलते हैं. और इस game का नाम है Evil Nun. खैर ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा मजा भी आता है. वैसे आप सभी लोग को याद होगा कि Evil Nun के chapter 1 में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को Evil Nun के स्कूल से छुड़ाया था, प्लस खुद भी हमने यहाँ से एस्केप किया था. बट अभी Evil Nun ने हमें दोबारा से अपने स्कूल में किडनैप कर लिया है, और इस बारी बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरा रास्ता ढूंढना है. सुनने में आया कि इसके स्कूल के नीचे एक सीवर है, जिस सीवर से बाहर निकलने का रास्ता तो है, बट वहां पे एक डेंजरस क्रोकोडाइल है. मतलब समझ रहे हो, अभी स्कूल में एक नहीं दो दो मॉन्स्टर्स हैं. खैर क्रोकोडाइल मॉन्स्टर नहीं है, बट मॉन्स्टर से कम भी नहीं है. लेट्स गो, बिना किसी देरी के जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं. बट हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसे फटाफट से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस खत्म. ऑल राइट गाइस, तो ये मैं वापस आ चुका हूँ Evil Nun के इस हॉरर स्कूल में, और इस बारी मैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी नहीं करने वाला हूँ. और ये एक स्पीड रन होने वाला है इसके स्कूल से एस्केप करने का, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर एक चीज मालूम है कि मुझे क्या कैसे करना है. लेट्स गो. फिलहाल सबसे पहले ना मुझे इस इलेक्ट्रिकल पैनल को ठीक करना होगा, इसमें एक स्मॉल केबल लगा के, जो कि मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे मिल सकती है. मैं इसे ढूंढने के लिए ऊपर तो आ चुका हूँ. ये है किचन. यहाँ पर सबसे पहले ना ड्रॉर्स चेक कर लेता हूँ. यहाँ पर लास्ट टाइम इस बार भी मुझे यहीं पर स्मॉल केबल मिल गई है. अभी जल्दी से चल के मुझे इसे इस इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा के इसका लीवर डाउन करना है. ये ठीक हो गया. अभी हर एक डोर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, यानी कि बटन दबाने पे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और मैं इसे स्कूल की हर एक जगह पर एक्सेस कर पाऊंगा. लेट्स गो. ये ओपन कर दिया. शटर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, पर अपने बेस्ट टाइम में हम लोग क्राउच करके आगे जाने वाले हैं. और अभी मुझे जाना है सीधा चेंजिंग रूम में, क्योंकि चेंजिंग रूम से एक रास्ता जाता है बाहर गार्डन में. मैं सारे गेट फुल बंद करके चल रहा हूँ, ताकि अगर Evil Nun आ जाए तो वो मुझे देख ना पाए. ये वाला गेट बंद कर दिया, और सामने मुझे क्रोबार मिल चुका है. यही ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था. लेट्स गो. अब इस क्रोबार को लेकर मुझे जाना होगा बाथरूम मींस टॉयलेट में, और उस टॉयलेट से जो रास्ता जा रहा है, इस प्लैंक्स को हटाकर, वुडन प्लैंक का एक नहीं लटा दूसरा हटाया, ये वाला गेट बंद कर देता हूँ, ताकि अगर नन आए उसको पता ना चले. लेट्स गो. अभी मुझे यहाँ से जाना है सीधा पीछे वाले मींस फर्स्ट टॉयलेट टॉयलेट में, क्योंकि इसकी बेसमेंट जाती है सीवर में. लेट्स गो. ये हम लोग आ गए सीवर में. कितनी जल्दी कर दिया मैंने सब कुछ. इस सीवर में ना एक हुक है, वो हुक मुझे लेकर जाकर सारे के सारे स्टॉप कॉक्स को बंद कर देना, मतलब वहाँ से जो वाटर सप्लाई आ रही है. लेट्स गो. इस हुक को उठाकर, फर्स्ट वाला तो यहीं पर बाहर होता है ना, जहाँ तक मुझे याद है. एक बार चल के देख लेता हूँ. अच्छा ओके, वो रहा सामने. हाँ, तो मुझे सबसे पहले इसको बंद करना है. फटाफट से इस हुक को इस वाटर कंट्रोल लिड पे लगा के स्टॉप कॉक को मैं रोटेट कर देता हूँ, और अभी जो है पानी यहाँ से जाना बंद हो जाएगा. सेम इसी टाइप के तीन और बचे हैं, टोटल चार थे, एक हमने कर दिया है, बाकी तीन को भी फटाफट से चल के बंद. ओके, फिलहाल यहाँ से मेरे को बंच ऑफ कीज मिल चुकी है. मैं अभी इस स्कूल में एक दूसरे रास्ते से जा सकता हूँ, क्योंकि वहां से तो नन आ रही है ना, वो बंद करने थे वाटर वाले. हुक अपना यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, इसको उठा लेते हैं, और अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर अलग अलग लोकेशन पे उन वाटर लिड को बंद करने के लिए. गाइस, नन इस टाइम ना नीचे गई हुई है उस सीवर में, तो फटाफट से जितने काम है मुझे सारे निपटा देने. यहाँ पर एक स्टॉप कॉक और बंद कर दिया है, दूसरा एक और यहाँ पर ना पीछे गार्डन में होता है जहाँ तक. ओके, तो एक यहाँ पर है, फटाफट से मुझे इसे बंद करना है. और चौथे वाले की तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है, वो है Evil Nun की वॉशरूम में, मतलब जो उसका बाथरूम है. फटाफट से हमें वहाँ पर जाना है और उसको भी बंद करना है. टॉप फोर्थ एंड लास्ट स्टॉप कॉक जिसे मैंने बंद कर दिया है, और अभी सीवर में पानी का जो फ्लो है, मतलब पानी खत्म हो गया होगा, और मैं अब टनल में एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पे जा सकता हूँ. इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ताकि एक फेक साउंड क्रिएट हो और नन भागती भागती यहाँ पर आए. और बाकी मैंने एक बंच ऑफ कीज भी उठा ली है, ताकि मुझे अगर चल के नीचे कुछ फेक साउंड क्रिएट करना हो तो वो मैं फटाफट से कर दूंगा. ऑलराइट, अभी इस क्रोबार को मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है, और इस बारी मुझे इसे संभाल के ड्रॉप करना है. मुझे यहाँ पर एक स्विच लाकर लगाना है, और उस स्विच को दबा के मैं यहाँ का सारा पानी हटा सकता हूँ. फिर मैं सीवर में उतर के भी जा सकता हूँ, मतलब पानी चले जाएगा तो हम लोग उतर ही सकते हैं ना, मतलब गंद में नहीं कूदना पड़ेगा हमें इसको. अभी स्विच ढूंढना है. लास्ट टाइम मुझे वो स्विच इधर ही कहीं तो मिल गया था. वेट, मैं ट्राई करता हूँ इन वाले कैबिनेट्स में. ये भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. ओके, इस वाले कैबिनेट में नहीं है, और इस वाले में. अभी यार, इससे पूरी उम्मीद थी मेरे को, क्योंकि सारे चेक कर ले रहे, और लास्ट टाइम मुझे इसी में से. नहीं, ये दो बचे हैं क्या?
मैंने चेक नहीं करे। अबे यार इसमें भी तो नहीं है। इधर वाले रूम के सारे कैबिनेट में चेक कर चुका हूँ बट मुझे स्विच नहीं मिला। एक बारी अंदर छोड़ो, यहाँ पर भी तो कुछ सामान पड़े होते हैं ना। मैंने यहाँ पर ओ तेरी भाई स्विच एकदम आंखों के सामने पड़ा हुआ और मैं अंदर जाके एक एक अलमीरा खोल खोल के देख रहा हूँ कि भाई इसमें स्विच है या फिर नहीं। लेट्स गो, इस स्विच को लाकर यहाँ पे लगा के बटन दबाना है और अभी सारा का सारा पानी जो है बंद हो जाएगा। अभी मुझे ढूंढना है कॉग जिससे कि जो नीचे वाली टनल है ना जहाँ से मैं एस्केप करना है उसका पिंजरा मुझे खोलना है। वो वहाँ पे लगेगा उधर। तो कॉग जो है रेड कलर का था लास्ट टाइम। यार इधर तो मैंने सारे ऑलरेडी चेक कर लिया है। मैंने शायद से अंदर वाला एरिया भी पूरा चेक कर लिया था और कॉग वाओ, मैंने ये वाला कैबिनेट खोला और मुझे ये नजर ही नहीं आया क्योंकि एकदम ऐसे कोने में पड़ा हुआ है, पूछो मत। लेट्स गो, अभी जल्दी से इसको लेकर नीचे चलते हैं। बट यहाँ पर क्रोकोडाइल चल रहा है। यार ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। मैं इसको चुपचाप से ले जाके यहाँ पे लगा देता हूँ। क्रोकोडाइल कुछ कहियो मत बस। ओके अभी हमने रास्ता खोल दिया है। हे व्हाट्सअप, हेलो। अभी ये कुछ भी नहीं कह रहा, मेरा दोस्त है क्या तू मेरा, बताइयो। कुछ नहीं कह रहा, लेट्स गो। ठीक है अभी मुझे ना फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे ना उससे फालतू पंगे नहीं लेने, मुझे फटाफट यहाँ से एस्केप करना चाहिए। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से एक कैनिस्टर मिल चुका है और ये कैनिस्टर हमारी राफ्ट बनाने के काम आएगा, जिस राफ्ट पे बैठ कर हम लोग यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। फिलहाल वो क्रोकोडाइल मेरी तरफ ही आ रहा था शायद इस बारी और मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब खैर ये कैनिस्टर उठाए ही है तो इसको फटाफट से ले जाके ना इस वाली राफ्ट पे लगा देता हूँ। इस टाइप के मुझे टोटल 4 कैनिस्टर ढूंढने हैं जो कि इसके ऊपर लगने वाले। 5 नहीं, ये एक सेकेंड, मेरे को यहाँ से 2 और मिल गए हैं, मतलब टोटल लिखकर आ रहा है 5 आइटम। फिलहाल एक रास्ता इधर। ओ भाई यहाँ पर एक टनल और है बट इधर कुछ भी नहीं है। ओ एक सेकेंड, ये क्या था, ये कौन सा दरवाजा है। अबे तेरी ये भी बंद है। मैं खुश हो गया था एक बार को, मैंने कहा ये क्या देखने को मिल गया। बट हाँ कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बाकी 2 कैनिस्टर मुझे मिल चुके हैं, 2 कैनिस्टर मुझे और ढूंढने हैं और पता नहीं 5वीं आइटम क्या है जो कि मुझे शायद से ढूंढने या फिर 5 कैनिस्टर ढूंढने हैं, ऐसा कुछ तो है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है कैनिस्टर ढूंढने के लिए। प्लस इधर एक दरवाज़ा होता है, उसका एक सीक्रेट कोड है जो कि मुझे ढूंढना है और उस सीक्रेट कोड को ढूंढने के लिए मुझे पहले काम करता हूँ। जो क्रोबार मैंने इधर ड्रॉप करा था ना, इस क्रोबार को उठाता हूँ और नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ना इस वाले ब्रिक को रिमूव करते हैं जो मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया था और इस वजह से मुझे दोबारा खेलना पड़ रहा है। ये गैप है, यू कैन प्लेस समथिंग दैट एमिट्स एन अनोइंग साउंड टू अट्रैक्ट द क्रोको। अनोइंग साउंड, लेट्स गो। मुझे पता चल गया क्या है वो। भाई साहब हमें इसको कुछ खिलाना विलाना नहीं है, एक चीज ऐसी लगानी है जो इसको परेशान करे और वो चीज लेने के लिए मैं वापस से आ चुका हूँ इस स्कूल में और अभी मुझे जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे। मैंने इस चीज को देखा हुआ है, लेट्स गो। यहाँ पर ना एक ट्रॉफी है जिसमें से एक साउंड बजता है और वही एक आइटम अब बचा हुआ है यहाँ पर लगाने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट हर एक चीज ट्राई कर चुका हूँ। हाँ ये देखो इसमें बना हुआ ना पुश बटन पे एक आवाज है, लेट्स गो। अभी जल्दी से इसको लेकर चलते हैं और वहां पे लगा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं वापस से आ चुका हूँ सीवर में। चलते हैं यहाँ से नीचे और वो जगह कहाँ चली गई। हेलो, ये क्रोकोडाइल तो अपना उस वाली टनल में जा रहा है। यार ये मेरे ऊपर कसम से अटैक ही नहीं कर रहा, जैसे देख ही ना रहा हूँ मेरे को। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसमें से एक बहुत अजीब आवाज आना शुरू हो गई है। क्रोकोडाइल आ रहा है उसकी तरफ और ओके इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये शायद से भी बोल तोड़ने वाला है। देखने में मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। ये गया और इसने बोल तोड़ दिया। ओके खुद भी मर गया क्या, नहीं खुद तो जिंदा है। मैं जाऊँ अंदर, तू दोस्त है मेरा यार, तेरे से बढ़िया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है तू अपना लेफ्ट से जा, मैं हुई नहीं यहाँ पे, तू अपना जा। ओके ओ सो ही गया, इसका अलग ही सीन है भाई, अलग ही फिल्म है भाई ये कसम से। लेट्स गो, इस टूटी हुई दीवार से मुझे अंदर आना है और ये हम लोग कहाँ आ गए। ओ ये तो वही वाला दरवाजा, अच्छा इसलिए नहीं खुल रहा था, इधर एक बोर्ड लगा हुआ था, इसको अब मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से मुझे एक कैनिस्टर और मिल चुका है। फिलहाल ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब, कुछ तो अजीबोगरीब सा बना हुआ जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल ये कैनिस्टर मुझे मिला है तो फटाफट से इसको लाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 3 हो चुके हैं, मुझे भी 2 कैनिस्टर और ढूंढने हैं। पता नहीं यार वैसे उसमें 4 बने थे, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। खैर अभी मुझे यहाँ पर इन पेंटिंग्स को समझना होगा कि आखिरकार ये पेंटिंग, वो जो सीक्रेट कोड था ना शायद से उसी से पेंटिंग का कुछ लेना देना है, मुझे देखने में तो कुछ ऐसा सही लग रहा है। बाकी यहाँ पर देखो कुछ बना हुआ है ना, इधर एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को ना पहले कोड देखकर आना चाहिए क्या। ओ अभी समझो ये देखो, ये 3rd नंबर पेंटिंग, ये 4th नंबर पेंटिंग। ओके अभी मुझे थोड़ा वो समझ आया। जो ऊपर एक नम पैड वाला लोग था ना जिसपे कुछ ऐसे सिंबल से बने हुए थे अलग से, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन सिंबल का इन पेंटिंग से कुछ लेना देना है। शायद जिस नंबर की पेंटिंग है उसी नंबर का वो सिंबल भी है, जैसे कि पीछे ओ तेरी यहाँ पर जैसे इस बारे सन, डोर, स्नेक एंड ट्रॉफी।
ओके, सन डोर स्नेक ट्रॉफी, नीचे बटन्स है। शायद से जिस जिस पेंटिंग में ये चीजें हमें दिखती है, हमें वो पेंटिंग का नंबर बनाना है। ओके, सन ड्रॉप, और क्या था, सन ड्रॉप नहीं था, सन डोर था। ओके, सन सन सन, इसमें मुझे देखो पीछे ना सन तो नहीं है, यहाँ पर इसमें भी सन नहीं है। मुझे सारी पेंटिंग्स को समझना पड़ेगा अच्छे से। ये वाली पेंटिंग में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे पीछे वाली साइड पे चल के देखते, ये क्या है यहाँ पर, इस पेंटिंग में एक चेस्ट बना हुआ है। गाइस, मुझे ना शायद से इन सभी पेंटिंग्स को एक एक करके अच्छे से स्कैन करना है। बाकी ये देखो, इस वाली पेंटिंग में डोर बना हुआ है, और जैसे मैंने इसे स्कैन करा, डोर पे अपने आप एक ब्लू लाइट सा कुछ तो आ गया है, यानी अपना एक कोड है 9। और इस वाली पेंटिंग में देखो, यहाँ पर स्नेक है और ऊपर ट्रॉफी है, और ट्रॉफी, ओके 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 ओके, तो अभी मैं समझ गया कि कोड मुझे अपना कैसे ढूंढना है। तो अपना पैटर्न क्या था, सन था सबसे पहले। बाकी यहाँ पर बैकग्राउंड में सन रेज तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर सन जैसा कुछ भी खास नहीं है, इतने बचाऊँ कसम से। फिलहाल हाँ, यहाँ पर वो कोड डालना है, क्या था, 2948 था शायद से, तो पहले दबाया 2 एंड उसके बाद लेट्स गो, हमने ओपन कर दिया कि बाहर में, और यहाँ से कुछ खास नहीं मिला। क्या है, कॉलर, ओके, ये किसका पट्टा है भाई, हेलो, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। बाकी यहाँ पर तो ये मगरमच्छ को पहनाना है क्या, ये है कुत्ते के पहनाने वाला जो कॉलर होता है ना, ये वो से उठा के फटाफट से निकल लेता हूँ। तो इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ अपनी राफ्ट पे। अब बस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पर, अगर नन आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तो जल्दी से इस कैनिस्टर को लेकर चलता हूँ यहाँ से नीचे, और इस राफ्ट पे लगा देता हूँ, देने पड़ जाएंगे। और राफ्ट अपनी बन चुकी है, और वो देखो उसका जो कॉलर आगे से जुड़ गया है। मुझे ये वाला लीवर अभी घुमाना है, पर उससे खुला नहीं है, वेट, बार बार घुमाना है क्या, एक सेकंड दोबारा घुमाते हैं, ओ, और एक बारी और घुमाते हैं, और फाइनली ये खुल चुका है, और हम लोगों ने सीवर से एस्केप कर लिया। अच्छा, इसको भी बाहर निकलने की जल्दी मची हुई थी। ओह भाई, उसने एस्केप करा, और हमने उसके गले से अपना ये राफ्ट का फंदा बांधा हुआ था, मतलब रस्सी बांधी हुई थी, और ये मगर मत जाने जाएगा, मां जाएंगे। बाकी नन को देखो, इसकी हालत क्या हो चुकी है भाई, ये काफी काफी ज्यादा गजब एस्केप था। पता चला मगरमच्छ बीच रास्ते में ले जाके अपनी पार्टी कर दे, फिर क्या हुआ यार कुछ भी हुआ है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। और हाँ यार, ये एस्केप पता कौन से वाला था, आसमान से गिरे खजूर बैठ के, मतलब भाई पूरा हमने एस्केप कर दिया इविल नन से, और जा रहे हैं मगरमच्छ के साथ। वो अपने बाकी बिरादरी वालों के पास सब जाएगा हमें लेके, बीच में आ रही राफ्ट पानी के बीच में से खड़े रहेगी, चारों तरफ मगरमच्छ घेर के, अलग ही सीन था भाई। बाकी ठीक है, बहुत ज़्यादा मजा आया खेल के, और कमेंट्स करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।